न जाने किस अजाब में फेंक दिया समरा को। क्या कर सकता हूं मैं? एक काम तो कर सकता हूं, समरा के घर वालों को इन्फॉर्म कर दूं कि वो मुसीबत में है। हेलो, मैं साथ बोल रहा हूं। क्या हुआ? मुबारक हो, अब दादा बनने वाले हैं। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको भी मुबारक हो, आप भी दादी बनने वाली है। भाई मुझे भी कोई मुबारकबाद दे दे, मैं भी तो चाचा बनने वाला हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक भाई। लेकिन वो कहाँ है नालायक जो इस खुशखबरी का सही से हकदार है? डॉक्टर को वही लेकर आया था, उसके बाद से बाहर गया, अभी तक वापस नहीं आया। वैसे उसका मूड बहुत खराब है, शायद उसे इस खबर से बहुत खुशी ना हो। दिमाग खराब हो गया उसका? अरे बाप बनने से बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। खैर, कल हम फयाज के मिठाई लेके जाएंगे, तैयार रहना। मगर अगर मगर कुछ नहीं, जब कहा है जाना है तो जाना है। फोन करो जरा, कहाँ है वो? इफ्रा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मगर मेरी बहन समरा बाजी बिल्कुल ठीक है। बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? तुम खाला बनने वाली हो और मैं चाचू। इफ्रा क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? जाहिर है खुश तो बहुत हुई हूँ, मगर मुझे ज्यादा खुशी तब होती जब मेरी बहन को उस घर में इज्जत मिलती। आज जो कुछ राशिद भाई ने किया है, ये सब किसने बताया? साद भाई का फोन आया था मुझे, बहुत अपसेट हो रहे थे। इतनी बदतमीजी की राशिद भाई ने आप ही और साद भाई के साथ, जबकि उनका आपस में कोई चक्कर नहीं है, रिश्ता आया था आप ही के लिए, लेकिन हमने नहीं कराया तायबू की जबरदस्ती की वजह से। देखो मैं जानता हूँ जो कुछ भी राशिद भाई ने किया वो बहुत गलत है और आइंदा ऐसा नहीं होगा। हर बार आप तसल्ली देते हो, हर बार नया कुछ हो जाता है। क्या करूं मैं? अकेला हूं इस घर के अंदर, तुमको संभालूंगा। तुम इस घर में आ जाओगी तो हम दोनों मिलके समरा बाजी और राशिद भाई का रिश्ता मजबूत करेंगे। मेरा ख्याल तो आप प्लीज अपने दिल से निकाल दें, जो करना आप खुद अकेले ही करें। मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरी बहन इतनी तकलीफ में हो। मैं तो मैं दिल से नहीं निकाल सकता। अच्छा बात सुनो, हम कल आ रहे हैं, तुम तैयार हैं? खुदा हाफिज़।